दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा गूगल माई बिजनेस ऐप के बारे में। इस ऐप में आप अपने बिजनेस जोड़ सकते हैं और पहले से जुड़े हुए बिजनेस को मैनेज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही आप उस बिजनेस लिस्टिंग में आप अपने शॉप की फोटोज वीडियोस ऐड कर सकते हैं और ऑफर्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लें और सर्च कर लें गूगल माई बिजनेस और इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। मेरे में यह ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, गूगल माई बिजनेस ऐप लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर कुछ ईमेल आईडीज लिस्ट कर रहा है। आपको इन ईमेल आईडीज में से एक ईमेल आईडी चुनकर अपने बिजनेस को क्रिएट करना है और मैनेज करना होगा। और देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं, ऐड अनदर अकाउंट। आपके पास और कोई ईमेल आईडी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा ऑप्शन है मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस। अगर अकाउंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, मतलब अपनी ईमेल आईडी में से कुछ मैनेज करना चाहते हैं, किसी को ऐड और करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, मैं searchlogcom@gmail.com को सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए, अब गूगल माई बिजनेस अब आपसे आपके बिजनेस का नाम पूछ रहा है। मैं समझने के लिए एक बिजनेस नेम दे देता हूँ, माई शॉप। अब देखिए, मैं नेक्स्ट पे टैप करूंगा। अब इसके बाद गूगल बिजनेस आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो मैं अभी यहां पर समझने के लिए ट्रैवल एजेंट दे देता हूं और नेक्स्ट पे टैप कर दूंगा। देखिए, अब आपसे ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ शॉप और ऑफिस। तो आप यस को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि जब आपका बिजनेस कस्टमर सर्च करेगा तो गूगल मैप पर आपकी लोकेशन भी दिखाएगा। और अब आप नेक्स्ट पर टैप कर दें। अभी आपसे आपके बिजनेस का एड्रेस पूछ रहा है। मैं अभी कुछ चलता फिरता एड्रेस डाल देता हूँ, विजयनगर, उसके बाद जबलपुर, पिन कोड, और यहाँ पर जो स्टेट है मेरा, मध्य प्रदेश। अब देखिए, मैं नेक्स्ट पर टैप कर दूंगा। फिर देखिए, गूगल माई बिजनेस ऐप को कुछ सिमिलर बिजनेस मिले हैं। आप यहां पर नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर नेक्स्ट पर टैप कर दीजिएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए, मैप को आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और इस मैप को ड्रैग कर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर टैप कर दें। अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप अपने कस्टमर्स को अपनी लोकेशन के बाहर भी सर्व करते हैं, तो यस पर टैप कर दें और नेक्स्ट पर टैप कर दें। अब देखिए, अगर अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप आउटसाइड सर्व करते हैं कस्टमर्स को, तो उन एरियाज के नाम बताइए, पर ये ऑप्शनल है तो नेक्स्ट पर टैप कर दीजिए, जरूरी नहीं है इसे डालना। अब देखिए, आपसे वेबसाइट और फोन नंबर पूछ रहा है। अगर आपकी वेबसाइट और फोन नंबर है तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपके बिजनेस की और डिटेल आपके कस्टमर्स को मिल जाएगी। और फोन नंबर देने से ये फायदा होगा कि कस्टमर्स आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है तो मैं नेक्स्ट पर टैप कर देता हूँ। अब फिनिश पर टैप कर दें आप। देखिए, बिजनेस लिस्ट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको आपकी बिजनेस की चीजें दिखाई जाएंगी। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, वेरीफाई टू रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज, क्रिएट पोस्ट एंड मेक पब्लिक एडिट्स। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे, आप कुछ भी ऐड और एडिट नहीं कर पाएंगे। इसका यह मतलब है कि आपको आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, व्यूज में एक लॉक का सिंबल है, सर्चेज में लॉक का सिंबल है, एक्टिविटी में लॉक का सिंबल है, तो आपको वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब इसके नीचे देखिए, पोस्ट टू योर बिजनेस प्रोफाइल, ग्रांट एक्सेस टू कैमरा रोल। इस पर टैप करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा कैमरा को एक्सेस करने के लिए, तो अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, ऑफर्स आपको क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ न्यू ऑफर पर टैप कर देंगे, तो यहाँ से आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया हुआ तो इसलिए हम अभी ऑफर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हम बैक चले जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस के लिए इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि बिजनेस को और प्रमोट कर सके, तो यहाँ पर इवेंट्स में न्यू इवेंट पर टैप कर देंगे। क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो इवेंट्स भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पर आप टैप कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ऐड अपडेट, आपके बिजनेस से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको ऐड करनी तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड इवेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने शॉप्स में प्रोडक्ट रखते हैं और उनमें से कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो ऐड कर सकते हैं, और फोटोज़ और वीडियोज़ ऐड करना है तो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्लस बटन से आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया है गूगल ने इस ऐप को। अब आप देख रहे होंगे नीचे एक मेन्यू है, उसमें होम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अब देखिए, उसके बाजू में कस्टमर से, इस पर हम टैप कर देंगे। देखिए, जितने भी रिव्यूज आपके बिजनेस को मिले हैं आप यहां से देख सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, कस्टमर्स के बाजू में प्रोफाइल है तो उस पर टैप करेंगे। तो देखिए, आपके बिजनेस की पूरी प्रोफाइल यहाँ आ जाएगी। यहाँ से आप कवर फोटो ऐड कर सकते हैं, जो भी रेटिंग है आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ऐड अ लोगो लिखा है तो आप अपने बिजनेस का लोगो अभी ऐड कर सकते हैं।
अब देखिए और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम, तो देखिए आप यहाँ पर दूसरी सारी चीजें भी लिख सकते हैं, आपका सर्विस एरिया क्या है, तो आपकी शॉप खुलती है कब, बंद होती है और किस दिन बंद रहती है, स्पेशल आवर्स ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। व्यू ऑल पर हम टैप कर देते हैं। देखिए यहां से आप सारी चीजें अपने बिजनेस की एडिट कर सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की कैटेगरी, आपके बिजनेस का एरिया, सर्विस एरिया, जो भी कुछ आपने ऐड किया है सारी चीजें आप एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि गूगल माई लिस्टिंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपने बिजनेस को गूगल में बहुत ही आसानी से लिस्ट कर सकें और मैनेज कर सकें। उम्मीद है आपको गूगल माई लिस्टिंग बिजनेस का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए धन्यवाद।